दोस्तों 14 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, 15 महीने होने वाले हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस में अब तक कोई भी सबूत नहीं मिला है, या फिर मिल चुका है और सीबीआई ऑफिसर्स उसे देखना नहीं चाहती है। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत केस में सिद्धार्थ पिठानी को जो अरेस्ट किया गया था, अब उसे बेल की मंजूरी देने में अब कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री की तरफ से फुल प्रेशर आ रहा है सुप्रीम कोर्ट की कि जल्द से जल्द सिद्धार्थ पिठानी को बेल दी जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 3 अगस्त को सिद्धार्थ पिठानी को लेकर सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, और 5 तारीख को उनकी बीवी के साथ उनका आउट ऑफ इंडिया जाने का भी प्लान बन चुका है। जी हां दोस्तों, सिद्धार्थ पिठानी के नाम पर एक टिकट बुक कराया गया है 5 तारीख को। जी हां दोस्तों, उनकी वाइफ और उनके नाम पर बताया जा रहा है कि सिद्धार्थ पिठानी को ये पता चल चुका है कि 3 तारीख को उसे बेल मिलने वाली और 5 तारीख को वो इंडिया छोड़कर जा रहा है। आखिर वो इंडिया छोड़कर कहाँ जा रहा है, अगर ये आप जान लेंगे तो यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, वो दुबई जा रहा है। हम सभी को पहले से पता था कि सुशांत सिंह राजपूत केस में दुबई कनेक्शन भी है, पर उस चीज को इसलिए सामने लेकर आया जा रहा है ताकि बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोग बच जाएं। पर अब जब देखा जा रहा है कि सिद्धार्थ पिठानी भी दुबई ही जा रहा है अपनी बीवी को लेकर, वो भी इस कोरोना काल में हनीमून मनाने के लिए, ये सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा है। क्या सिद्धार्थ पिठानी सचमुच अपनी बीवी के साथ एंजॉय करने जा रहा है, या फिर जो बचे कचे सबूत हैं और जो बची कची चीज़ें हैं उसको मिटाने जा रहा है। दोस्तों, हम सभी को ऐसा लग रहा है कि सिद्धार्थ पिठानी ही नंबर 1 दोषी है। ऐसे में सिद्धार्थ पिठानी को किस बिना पर छोड़ा जा रहा है? सिद्धार्थ पिठानी के वकील का कहना है कि जब असल दोषी जो लोग हैं जिनको माना जा रहा है, जैसे कि रिया चक्रवर्ती, संदीप सिंह, सैमुअल मिरांडा, केशव और नीरज। जी हाँ दोस्तों, केशव नीरज को बताया जा रहा था कि वो लोग सीबीआई के अंडर में हैं, पर ये आपको जानकर हैरानी होगी कि केशव भी अपने गांव निकल चुका है और नीरज भी अपने गांव निकल चुका है। जी हाँ दोस्तों, उन दोनों ने अपनी इंस्टाग्राम न्यू आईडी बनाई है, और जब उन्होंने पोस्ट करी, लोकेशन शेयर किया, तब पता चला कि वो लोग तो मुंबई में है ही नहीं, ना ही वो दिल्ली में है। जबकि सीबीआई ऑफिसर्स के वो अंडर में होते तो या तो वो मुंबई होते या फिर दिल्ली होते, पर उनका लोकेशन तो कहीं और ही बता रहा है। दोस्तों, इसका क्या मतलब है? क्या सीबीआई ऑफिसर्स भी बिक चुके हैं? दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत केस को ही इन्वेस्टिगेट करने में इतना वक्त लग रहा है सीबीआई ऑफिसर्स को, इससे पहले कभी भी किसी भी केस को लेकर सीबीआई ऑफिसर्स ने इतना वक्त नहीं लगाया था। दोस्तों, अगर आप भी सुशांत सिंह राजपूत के फ़ैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सुशांत सिंह राजपूत के बारे में ऐसी ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोज़ आप कभी भी मिस ना कर पाएँ और आप भी सुशांत के बारे में हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले जान पाएं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है, इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है, और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद।